बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने बेटा ये एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे पहले, और इसके क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक बता दिया था। मैं 12 आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसमें क्या है, फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। हमें 1 to 6 का यूज करना है, सो दैट द ईच साइड ऑफ द मैजिक ट्राइंगल एड्स अप टू 12। मतलब हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका सम कितना है, 12 है। तो 12 आने के लिए जो हमारे कॉर्नर वाले जो पॉइंट है, ये हमने ज़्यादा बड़ी नंबर ले लिए है ना, ताकि सपोज करो आपने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6, क्योंकि ये कॉर्नर वाले पॉइंट अगर ज़्यादा नंबर होंगी तब ये 12 आने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर हमने छोटी नंबर ले ली है ना, क्योंकि 5 हमारा 2 बार ऐड हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया, देखो 12 हो गया। इसी तरीके से 4 और 6 10 है, 10 और 2 12 हो गया, 5 और 6 11 है, 11 और 1 12 हो गया, ठीक है। ये अगर हम कॉर्नर वाले पॉइंट अगर हम ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेंगे, और मान लीजिए कॉर्नर वाले पॉइंट को अगर हम छोटे नंबर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आएगी, इसको बनाने में हमें 12 नहीं कर पाएंगे। देखो अगर हमने जो है यहाँ पर अगर हम बड़ी नंबर लेते हैं, मान लो 4 5 6, तो यहाँ पर 10 12 आने के लिए आपको फिर कोई भी नंबर नहीं बची आपके पास। यहाँ अगर आपने 1 लिया तो 4 और 1 5, और 5 के लिए फिर यहाँ पे 6 की ज़रूरत पड़ेगी 12 आने के लिए। तो अगर हमें ज़्यादा सम लेके आना है, अगर हमें कम सम लेके आना होता तब तो ये हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट पे छोटी नंबर लेंगे। अगर हमें बड़ी नंबर लानी है, क्योंकि 1 से लेके 6 तक हमें नंबर यूज़ करनी है, और सम हमें 12 लाना है, 12 ज़्यादा नंबर है क्योंकि 1 to 6 नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कॉर्नर वाले पॉइंट पर बड़ी नंबर लेंगे। अगर हमें कम सम लेके आना है तो हम छोटी नंबर यूज़ करेंगे कॉर्नर वाले पॉइंट पर। 1 2 3 लिया हमने, तो देखो यहाँ पर 1 और 5 6 और 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर सम जो है 9 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। यहाँ पर 2 6 8 लिया, 8 और 3 11 हो गया, 12 नहीं आ पा रहा, 2 और 4 6 और 1 7। तो अगर आपको 12 लाना है तो हमें ये थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करनी है, कॉर्नर वाले पॉइंट पर हमने बड़ी नंबर ली, तो बड़ी नंबर होने पे क्या हुआ, 4 और 5 9, ठीक है, 9 और 3 12 हो गया, 4 और 6 10 और 2 12 हो गया, 5 और 6 11 और 1 12 हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ये हमारा जो है, इस तरीके से छोटे नंबर लेके हमारा कॉर्नर वाले पॉइंट पे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में ये हमने 4 कॉलम और 4 रोज लिए हैं ना, 1 2 3 और 4, इसी तरीके से यहाँ पर लिया हमने 1 2 3 और 4 हो गया। यहाँ जो नंबर दी हुई है 3 14, और आपका यहाँ पर 0 है, ये आपका 8 है, यहाँ पर 6 और ये 4, यहाँ पर 7 है, ये आपका 1 और 12 है। यहाँ हम क्या चाहते हैं, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर गिवन अलोंग साइड यूजिंग नंबर 0, 1 से लेके 15 तक यूज़ करनी है, लेकिन जो नंबर एक बार यूज़ कर लेंगे उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। सो दैट द सम अलोंग ईच रो कॉलम एंड डायगनल इज 30। मतलब हर रो से हर कॉलम से जो है वो कितना है, अगर हम डायगनली चेक करें तब भी वो 30 आए, ठीक है, और हम लाइन वाइज देखें, रोज वाइज देखें, इस तरीके से वो भी 30 आए, इस तरीके से भी 30 है, ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 है ना, तो 19 में हम क्या ऐड करेंगे, 30 हो जाए, 11 ऐड करेंगे तो 30 हो जाए। तो ये वाला हमारी जो लाइन है, ये वाली जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, 8 और 3 11, 11 और 5 4 15, 15 और 15 ये भी 30 हो गया। अब आप इस वाले को भी कंप्लीट कर सकते हो, 12 1 13, 13 और 15 कितना हो गया, 28 में 2 ऐड करा तो ये 30 हो गया। 14 और 3 17 है, 17 में क्या ऐड करेंगे, 13
ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया, 13 ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, ये वाला हम ऐड कर सकते हैं, 13 और 6 19 19 और 1 20 20 में हमने 30 ऐड किया तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब आप इसको इसको बना कंप्लीट कर सकते हो, 10 और 4 14 14 और 7 21 21 में 9 ऐड करा तो ये 30 हो गया। अब इस वाले कॉलम को पूरा कर सकते हैं, 2 और 9 11 11 और 14 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 5 ऐड करा हमने, कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप कॉलम के अकॉर्डिंग देखते हैं, 5 और 3 8 8 और 12 20 और 10 30, तो ये देखो ये भी 30 हो गया। इस तरीके से अगर हम चेक करते हैं, 6 और 9 15 और 15 30, तो हर रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो है इसका सम कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बनाना है, भाई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप एक एक रो वाइज और कॉलम वाइज इसको कंप्लीट करते चले जाओ। जैसे हमने जो पहले जो कंप्लीट कर सकते थे, पहले हमने उसको कंप्लीट किया, उसे कंप्लीट करने से हमें दूसरे वाले रो और कॉलम को कंप्लीट करने का हमें आइडिया मिल गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट वाला है, 14 वाले में भी आपको इसी तरीके से करना है। चलो इसको पहले रब कर लेते हैं, इसमें बेटे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में जो गिवन है वो गिवन है आपका 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, इस तरीके से बनता चला जा रहा है। फिर 3 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद इन्होंने जो डैश दिया है यहाँ पर 3, यहाँ पर डैश है, फिर यहाँ पर कितना है, 27 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 27 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश है। ठीक है, यहाँ पर आपका 27 है और ये आपका 3। इसी तरीके से नेक्स्ट है, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर डैश दिया और यहाँ पर 7 2 9 7 2 9, फिर यहाँ पर फिर डैश, फिर यहाँ पर 3। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपका 3 डैश दिए हुए हैं, यहाँ पर डैश है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में डैश है, फिर इन दोनों के बीच में डैश है, फिर इन दोनों के बीच में डैश है, फिर यहाँ डैश है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इसमें क्या करा गया है बेटा, इसमें जो है हमने मल्टीप्लाई करके किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 3 3 9 आया, उसी तरीके से 3 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 आ गया। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बीच में आ गई नंबर, तो 3 और 9 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 27 आ गया, है ना। इसी तरीके से 3 और 9 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 27 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब हमें यहाँ की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 3 और 27 की मल्टीप्लाई करके 81 हो गया, फिर 27 और 27 की मल्टीप्लाई करके 20 यहाँ आ गया, या 3 और 27 की मल्टीप्लाई करके ये 81 आ गया। अब आपको यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में तो हमें 3 रखना है, हमेशा स्टार्टिंग में और एंडिंग में 3 रखना है। अब 81 और 729 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 81 और 729 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ ले देंगे, ये आ गया आपका 729 9 और 2 2 4 3 7 10 9 5 9 0 4 9 9 यहाँ तो 81 और 3 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 243। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ये नंबर आ जाएगी 59049। एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से 729, 8 9 या 72, 8 2 या 16,
16 और 7 23 8 7 56 58 9 2 2 4 3 और 7 10 9 5 9 0 4। इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पर भी यही आ जाएगा 59049, और 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 243 हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने कंप्लीट किया है। तो ये हमने जो है 5.2 के बेटे 3 क्वेश्चन मैंने जो रह गए थे पहले वो आपको कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, 13 और 14। ठीक है, अब टुमारो हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो 5.3 होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।